हाय फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज कैसे करना है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर में जो आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, आप उस ईएमआई के ऑप्शन का कैसे यूज करेंगे। कि फ्लिपकार्ट पे लेटर जो आपको ईएमआई ऑफर करता है, उस ईएमआई की मदद से आप किस तरह से फ्लिपकार्ट पर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम फ्लिपकार्ट पे लेटर ईएमआई की मदद से हम यह रियलमी 11 5G फ़ोन जो है ऑर्डर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट स्क्रॉल करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स रीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना हमको ईएमआई भरना पड़ेगा, वो यहाँ पर देख लेते हैं। 2834 रुपये पर मंथ हमको ईएमआई भरना पड़ेगा। इसका प्राइस है 16,999। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, इसका पूरे डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सारा डिटेल्स आपको रीड कर लेना है जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करें। उसके बाद जस्ट देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पे विथ ईएमआई का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पे विथ ईएमआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने लोडिंग लेगा। अब जस्ट यहाँ पर हम इसको स्किप एंड कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ फ़ोन लेना है, उसके साथ और कुछ नहीं लेना है। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर में आपको आपका एड्रेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस देख सकते हो कि किस एड्रेस पर यह आपको डिलीवर होने वाला है। अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए फ़ोन का जो प्राइस है यहाँ पर आ चुका है, हमारे सामने लाइव हो चुका है। यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी मिला हुआ है। अब यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है रेस्ट एश्योर्ड विथ ओपन बॉक्स डिलीवरी, वाई पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए टर्म कंडीशन जो है रीड कर लेना है। आपको जब भी प्रोडक्ट दिया जाएगा, जब आप महंगे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं जो कि आपको डैमेज होने का चांस रहता है, तो उस कंडीशन में आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का जो यहाँ पर परमिशन अलाउ रहता है, जब भी आपको एजेंट यहाँ पर डिलीवर करेगा तो आपको वह ओपन करके दिखाएगा, आपकी आंखों के सामने उस प्रोडक्ट को ओपन करेगा। और वहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर डैमेज है तो वहीं से वह रिटर्न चला जाएगा, लेकिन अगर डैमेज नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 49 रुपये जो है सिक्योर पैकेजिंग फ़ी ऐड करके यहाँ पर 16,048 रुपये हैं। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू विथ ईएमआई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, जस्ट आपके सामने यहाँ पर पेमेंट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट मेथड। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई की मदद से आप कैसे परचेज करोगे। तो जस्ट हम यहाँ पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड ईएमआई वाले बटन पर क्लिक करते हो, जस्ट यहाँ पर आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। ओटीपी को यहाँ पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद जस्ट नीचे जो वेरीफाई का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करते ही यहाँ पर आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस लोडिंग ले लेगा। यहाँ पर आपको प्लान सेलेक्ट करना है कि कौन से प्लान से आप पेमेंट करना चाहते हो। यहाँ पर देखिए हमको ईएमआई से पेमेंट करना है, तो ईएमआई वाले ऑप्शन पर ऑलरेडी क्लिक है। यहाँ पर हम चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो भी ईएमआई का प्लान है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक 3 मंथ का प्लान है, एक 6 मंथ का प्लान है, एक 9 मंथ का प्लान है और एक 12 मंथ का प्लान है। तो यहाँ पर आप जो प्लान चाहे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमको नो कॉस्ट ईएमआई से पेमेंट करना है, यानी कि कोई भी कॉस्ट नहीं देना है ईएमआई पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 मंथ वाले प्लान को सिलेक्ट कर लेते हैं। 2676 रुपये का प्लान है और 6 मंथ हमको पेमेंट करना है। 6 मंथ तक हम 2676 रुपये पेमेंट करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर को। तो अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं नो कॉस्ट ईएमआई वाले ऑप्शन को, 6 मंथ वाले को। अगर आप चाहो तो यहाँ पर दूसरा प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर देखो 9 मंथ और 12 मंथ वाले में यहाँ पर 24% का यहाँ पर जो है आपको पेनल्टी लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमको 24% जो है पेनल्टी नहीं देना है। हम नो कॉस्ट ईएमआई एक भी रुपये यहाँ पर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट यहाँ पर प्लान चूज करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, ईएमआई प्लान का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट करना होगा, जो कि बैंक की तरफ से ईएमआई ऑर्डर पर लगाया जाता है। तो यह फर्स्ट टाइम केवल आपको देना पड़ता है। तो पहली बार जब आप ईएमआई एक्टिवेट करते हो, पेमेंट करते हो, तो उस टाइम आपको यह पेमेंट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी आपको कन्फर्म ऑर्डर पर क्लिक करना है, लेकिन आपको प्लान जो है वो सावधानी से सिलेक्ट करना है। अब ये आपको रिजेक्ट कर देगा और आपका जो ऑर्डर होगा वो प्लेस्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमको 300 सुपर कॉइन मिल चुका है और एक स्क्रैच कार्ड भी मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा
ऑर्डर जो है कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ चुका है थैंक्स फॉर शॉपिंग विथ अस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट पे लेटर की मदद से मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन ऑर्डर कर दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रैक ऑर्डर पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए इसके साथ ही मुझे यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ऑर्डर डिटेल्स में ही देखने को मिलता है कि एक स्पोटिफाई प्रीमियम ही हमको मिला हुआ है 699 रुपये का, जो कि बिल्कुल फ्री में हमको मिला है। हाउ टू क्लेम पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपको क्लेम कैसे करना है। तो अब इसको क्लेम करने का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके पूरा रीड कर सकते हो और इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है कि कैसे क्लेम करना है। अब आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसका EMI पेमेंट करने के लिए जस्ट आपको अपने अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, नीचे में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर का, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितना क्रेडिट लिमिट मिला है वो देखने को मिल जाएगा। मुझे 90,000 का फ्लिपकार्ट की तरफ से EMI का क्रेडिट मिला हुआ था जिसमें से मैंने कुछ यूज कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल जो है यहाँ पर 74,636 रुपये यहाँ पर अवेलेबल क्रेडिट बचा हुआ है। अब यहाँ पर जो बिल हमको पेमेंट करना है EMI का वो है यहाँ पर 3338 रुपये हमको पेमेंट करना है। क्यों देखिए यहाँ पर हम एक से अधिक प्रोडक्ट परचेज किया है। अब इसकी डिटेल्स देखने के लिए यहाँ नीचे व्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करोगे जैसे ही व्यू ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपने कहाँ पर कितना ऑर्डर किया है और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर EMI प्रोसेसिंग फीस मैंने आपको बताया था जो कि लगता है वो यहाँ पर 265 रुपये लगा हुआ है। 6 मंथ का अगर आप EMI यहाँ पर लेते हो तो आपको यहाँ पर 100 का यहाँ पर आपको चार्ज लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर 3 मंथ का लेते हो तो यहाँ पर 1.5% का आपको ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से चार्ज लगता है और ये मैक्सिमम जो है वो 100 रुपये तक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये जो चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो फ़ोन ऑर्डर किया था उसका EMI इंस्टॉलमेंट 6 मंथ के लिए है 2676 रुपये और ये जो वन टाइम EMI प्रोसेसिंग फीस है वो 265 रुपये लगा हुआ है। यहाँ पर आप यूजेज फी देख सकते हो 18 रुपये है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक और ऑर्डर किया था अपना पैंट जो कि 380 रुपये का है, यहाँ पर देख सकते हो 379 रुपये है। तो इसका भी पेमेंट यहाँ पर टोटल पेमेंट ऐड कर दिया गया है और इन सब का जो बिल बना हुआ है वो 3338 रुपये हमको पेमेंट करना है, जो कि इंस्टॉलमेंट में हमको केवल एक ही बार यह बिल पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमको केवल 2676 रुपये हर महीने पेमेंट करना है। बात कर लेते हैं कि पेमेंट कब करना है। पेमेंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिल विल बी जेनरेटेड ऑन 1 मार्च, यानी कि जो इसका बिल है वो 1 मार्च को जेनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेट कि 1 मार्च को बिल जेनरेट हो जाएगा। यहाँ पर 1 मार्च तक हम इसका बिल पेमेंट कर देंगे। बिल पेमेंट करने के लिए जस्ट आप यहाँ पर पे पर क्लिक करके बिल पेमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पर इसका बिल बाद में पेमेंट करेंगे तो उसका वीडियो अलग से आ जाएगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह आप अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड EMI फीचर का यूज करके आसानी से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो और छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आप उस पेमेंट को कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको फ्लिपकार्ट EMI का अगर आपको ये देखना है कि फ्लिपकार्ट EMI का जो बिल जनरेट होता है उसका पेमेंट कैसे करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका वीडियो भी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल लगा होगा, तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी को मिलते रहे।